तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और हमें एक इक्वेशन दी गई है 1 प्लस ओमेगा रेज पावर 7 हमारा a प्लस बी ओमेगा के बराबर है, तो o एंड b की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है और उसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर। तो 1 प्लस ओमेगा रेज पावर 7 अगर हमें दिया गया है a प्लस बी ओमेगा के बराबर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा हमारा इस इक्वेशन से आप देखें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -ओमेगा स्क्वायर रेज पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो वो होता है हमारा -रेज पावर 7 नेगेटिव रहेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज पावर 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब रेज पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब हमारा पता है 1 के बराबर होता है, तो 1 रेज पावर 4 1 के बराबर होगा, तो बचेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस टाइम्स 1 प्लस ओमेगा के बराबर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारा 1 प्लस ओमेगा के बराबर होगा, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कंपैरिजन करेंगे, तो a हमारा 1 के बराबर आएगा और b भी हमारा 1 के बराबर आएगा।